स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास वन का हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। हिंदी आप लोग पढ़ चुके हैं, लगभग फोर चैप्टर तक हो गया, यानी कि पार्ट चार तक हो गया है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है। हिंदी व्याकरण में व्याकरण भारती के बुक से है। इसको हम लोग पहला चैप्टर यानी कि पार्ट एक को हम लोग खोलते हैं। पाठ एक में दिया हुआ है वर्ण और वर्णमाला। पहले बच्चों आप लोग समझिए वर्ण क्या है। वर्ण है मुख से निकलने वाली वह ध्वनियाँ जिसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण है, देखिए यहाँ पर वर्ण दिया हुआ है अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ अंग अ, ये क्या है? वर्ण है। तो इसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को, इसके समूह को जो सही क्रम में सजाया गया है, इसी को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे भी देखिए वर्णमाला है, क ख ग घ अंग च छ ज झइया, इस तरह करके ज्ञ तक दिया है। यहाँ पे स्र भी दिया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हिंदी भाषा में कई वर्ण हैं, वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, जैसे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसमें अ से लेकर औ तक स्वर वर्ण है और क से लेकर ह तक व्यंजन है। वह स्वर कितने होते हैं? तो इसमें स्वर 11 और ये 11 होते हैं। 11 यानी कि 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या है? स्वर है। इसके स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण। और ये व्यंजन 33 होते हैं, यानी कि 33। इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 33 वो व्यंजन होते हैं। तो इसमें चैप्टर एक यानी कि पाठ एक में वर्ण और वर्णमाला के बारे में बताया गया है। इसे पढ़िए, समझिए। यहाँ पर भी देखिए पेज नंबर 6 में कुछ दिया हुआ है, आओ कुछ करें। स्वर और व्यंजन को क्रम में मिलाकर चित्र को पूरा करो और रंग भरो। यहाँ पे कुछ स्वर वर्ण दिया हुआ है, उससे चित्र बनाया हुआ है। इसको मिलाकर, स्वर वर्णों को मिलाकर इस चित्र को पूरा कीजिएगा और पूरा करके इसमें रंग भरिएगा। यहाँ पर व्यंजन वर्ण से भी चित्र दिए हुए हैं। व्यंजन वर्ण को मिलाकर यहाँ से शुरू कीजिएगा, व्यंजन वर्ण से मिलाकर इसे चित्र को पूरा करके इसमें रंग भरेंगे। तो इस तरह हमारा चैप्टर एक यानी कि पाठ एक खत्म होता है। इसके बाद हम पाठ दो को देखेंगे कल।